अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों दरअसल आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुवैत से बाबरी मस्जिद के केस को लेकर और कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, कुवैत के सीनियर वकील जिनका नाम मुजीब अल शुरेक है, उनको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन दिनों में वो अपने बयानों के जरिए से काफी चर्चों में है। जी हां दोस्तों, उन्होंने फिर से बाबरी मस्जिद को आलमी अदालत के अंदर ले जाने की पेशकश की है और कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको लेकर भी आवाज उठाई है। तो दोस्तों कुवैत के सीनियर वकील ने क्या कहा है बाबरी मस्जिद के केस को लेकर, बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिलवाया है। तो कुवैत के वकील साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है बाबरी मस्जिद के जो भी गुनाहगार है उनको जो है इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा और कश्मीरी मुसलमानों के जो हालात है उन हालात को जो है बदलने की कोशिश करूंगा, बस मुझे हिंदुस्तानी मुसलमानों के सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों उन्होंने क्या बयान दिया है आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का केस आलमी अदालत के अंदर लेकर जाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको सीधी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुवैत के सीनियर वकील जिनका नाम मुजीब अल शुरेक है, उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के केस को लेकर और कश्मीर मुसलमानों को लेकर जो है क्या बयान दिया, आइए सबसे पहले उनके बयान को जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों कुवैत के सीनियर वकील जिनका नाम मुजीब अल शुरेक है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिंदू तवा फासिस्टों और वहशियाना हुकूमत का मुकाबला करने के लिए पूरे दुनिया के हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़बरदस्त जो है हिमायत हासिल है। बाबरी मस्जिद केस बैनुल अक्वामी अदालत में पहुंचाया जाएगा और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और दोस्तों कुवैत के वकील ने आगे कहा है कि कश्मीर में भी एक नई सुबह नजर आएंगे। इस तरीके से कुवैत के वकील साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए से ये पैगाम जारी किया है कि इंशाअल्लाह ताला जो है मैं बाबरी मस्जिद का केस आलमी अदालत के अंदर लेकर जाऊंगा, इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मेरी जबरदस्त हिमायत किया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को आज सजा नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है और बाबरी मस्जिद के जितने भी गुनाहगार थे जितने भी आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो इंशाल्लाह उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है इन मुजरिमों को जो है इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा और बाबरी मस्जिद के जो गुनाहगार है उनको ज़रूर इंसाफ दिलाकर रहूँगा। और तीसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये बयान किया है कि जिस तरीके से आज कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है तो उसको लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ही जो है आपको कश्मीर के अंदर जो है नई सुबह जो है आपको नजर आएंगी, वहाँ पर भी जो है अमन और आमन और मुसलमान जो है शांति के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। तो दोस्तों कुवैत के वकील साहब ने इस तरीके से बयान दिया है। दोस्तों आप तमाम लोगों की इस बयान को लेकर क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।